स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप इस पर्यावरण को, जो हमारा जीवन है, धरती एक ही है, पहली बार स्टॉक 1922 में ये प्लानिंग की गई थी और 74 में ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टार्ट हुआ था और तब मोटो ये था कि ओनली वन अर्थ, सब कुछ मिल जाएंगे, दो तीन मिल जाएंगे, लेकिन धरती एक ही है, ये फिर नहीं मिलेगी दोबारा। सूर्य के को आपने देखा नहीं है, बुध आपके किसी काम में आता नहीं है, शुक्र, ये सब साइंस की बात है। तो तुलसीदास की एक चौपाई है जो मुझे धरती से, मैं उसको कंपेयर कर दूं सर, सुबह सुबह, सुत मित नारी भवन परिवारा हो ही जाही जग बार ही बारा। प्रसंग तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण के बीच का था, क्योंकि लक्ष्मण को शक्ति मूर्छा में थे, तब परेशान थे राम की सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन एक उधर से पैदा होने वाले सगे भाई दोबारा नहीं मिलेंगे। सुत मित नारी भवन परिवारा हो ही जाही जग बार ही बारा, असु बिचारी जिए जागहु ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। धरती हमारी माँ है और हम सब उसी के गर्भ के बच्चे हैं, हम और आप सब, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, जर्मनी, सारे बच्चे जो धरती के हैं वो हम सब एक ही माँ के गर्भ के हैं। इसीलिए मूर्छा में मत रहिए आप लोग कि पर्यावरण के प्रति, उस चौपाई को मैं आपसे कंपेयर थोड़ा कर रहा हूँ, आप सब जग जाइए और इस संसार में हम सब एक हैं और फिर दोबारा इस तरीके से किसी और प्लैनेट पर अगर हम पैदा भी हो जाएंगे तो कुछ जानकारी मिलेगी भी नहीं, ये धरती हमारी माँ है और हम इसके सब बच्चे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं सभी का स्वागत करूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे मौलंदू जी आज इसके, हमारे एक विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी अपनी दो बात बच्चों को बताएँ।